A big round of applause for this team representing the Sandhyankari Charitable Foundation's message. और आपने देखा कि इस गीत का जो संदेश था कि धूप हो, छाए हो, बरसात हो, किसी प्रकार का भी व्यवधान आए, किसी प्रकार की भी अड़चन आए, एकत्व की इस दौड़ में, एकत्व के इस प्रयास में हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ परेशानियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन मन में अगर विश्वास हो, मन में एकता का भाव हो, तो अवश्य उन सभी को पार करके हम समाज में, देश में, परिवार में, विश्व में एकत्व स्थापित कर सकते हैं। यही भाव इस गीत का था। और अब मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच आए हुए ऑनरेबल चीफ गेस्ट यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, जिनके व्यक्तित्व में ही एक ऐसी गरिमा है, एक ऐसा सौहार्द है, एक ऐसी शांति है। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करें ऐसी संजीदगी और विवेक के माहिर आदरणीय राजनाथ सिंह जी। पूज्य निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह जी, पूजनीय माता सविंदर जी निरंकारी, श्री संदीप जी, त्रिभवर सिंह जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी नौजवान, इसमें मैं देख रहा हूँ युवक भी हैं, युवतियाँ भी हैं, और इस डायस पर परफॉर्म करते हुए मैंने दो लिटिल फ्लावर्स भी देखे हैं। हाउ ब्यूटिफुली दे वर परफॉर्मिंग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और आज यह जो दृश्य अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं यदि किसी राजनीतिक पार्टी को इस मैदान में कोई रैली करनी होती तो शायद उसे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, तब भी शायद इतनी भीड़ यहां पर न हो पाती जितनी कि आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और बाबा यह दृश्य जो आज मैं अपनी आंखों के सामने यहां देख रहा हूं, यह बिना आध्यात्मिक शक्ति के संभव नहीं है। घंटे भर से सारे हमारे युवक और युवतियां खड़े हैं, उनके चेहरे पर शिकन देखने को नहीं मिल रही है। और जिस समय इस डायस पर परफॉर्म किया जा रहा था कि वी आर वन फैमिली, सारे नौजवान अपने हाथों को वेव कर रहे थे, एकता का परिचय दे रहे थे। इनके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बाबा आपने इनके चित्त में बैठा दिया है कि भारत एक है, हम सब एक हैं, दुनिया की कोई ताकत शक्ति है। और मैं जानता हूं निरंकारी बाबा गुरुवचन सिंह जी ने जब अपना बलिदान दिया था उस समय समाज की हालत क्या थी, हिंसा, घृणा, जाति, पंथ के आधार पर भेदभाव सर्वत्र व्याप्त था। उस समय निरंकारी संतों ने इस देश में प्रेम, बलिदान और सेवा का एक सामान्य संदेश नहीं दिया था, बल्कि भारत को उसका अमृत पान कराने का काम किया था। और मैं मेरे नौजवानों में यह भी कहना चाहता हूं, भारत केवल राजनीतिक कारणों से ही एक नहीं रह सकता है। भारत को यदि एक रखना है तो उसके पीछे सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो भारत की धार्मिक, भारत की सांस्कृतिक और भारत की आध्यात्मिक शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। और जब भी भारत की एकता और अखंडता के ऊपर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों ने सवालिया निशान लगाने की कोशिश की है तो इस देश में सांस्कृतिक अभियान प्रारंभ हुए हैं, धार्मिक अभियान प्रारंभ हुए हैं, आध्यात्मिक अभियान प्रारंभ हुए हैं। और मैं
यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बाबा भारत यदि राष्ट्र है तो प्रागैतिहासिक काल से, शायद बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं, माने जिस इतिहास की हमको जानकारी है उसके पहले का भी हमारा जो भारत है उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जिस इतिहास की हमको जानकारी है केवल उसके प्रारंभ में ही भारत एक राष्ट्र नहीं था बल्कि उसके पहले भी भारत एक राष्ट्र था। भारत एक बहुत ही प्राचीन राष्ट्र है, अर्वाचीन राष्ट्र है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक बड़ी युवा शक्ति विश्व में यदि किसी देश के पास है तो वह केवल भारत के पास है। 35 वर्ष की आयु के नीचे की 65% जनसंख्या दुनिया के यदि किसी देश की है तो वह भारत की है, और यह सारी 65% तरुणाई जिस समय कदम से कदम मिलाकर यदि आगे बढ़ेगी तो दुनिया के किस देश की हिम्मत है कि भारत की ओर आंख उठाकर देख सके, किसी की हिम्मत नहीं। और मेरे नौजवानों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, वी आर वन फैमिली, यानी वसुधैव कुटुंबकम इसे संस्कृत में कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया की किसी धरती से हमारे पूज्य संतों ने, महात्माओं ने यदि दिया है तो दुनिया की किसी दूसरे देश की धरती नहीं है बल्कि हमारे और आपके देश व भारत की धरती है, जहां से सारे विश्व को संदेश यह दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम का, कि वी आर वन फैमिली। आज के अवसर पर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चों से यही अपील करना चाहूंगा कि हमारे निरंकारी बाबा पूज्य हरदेव जी और पूजनीय माता जी, इनका जो संदेश है उस संदेश को इस देश के कोने कोने तक हम पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि आप भी जो चाहते हो कि भारत एक महान भारत बनना चाहिए, ऐसा भारत जो केवल धनवान ही न हो बल्कि हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो धनवान भी हो और साथ ही साथ ज्ञान और विज्ञान यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके, हम एक ऐसे महान भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसी संकल्प को लेकर हम लोगों को जाने की जरूरत है, और यह रन फॉर वननेस का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी आधार पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी पूरी राष्ट्र की एकता का एक संदेश देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर भी सारे देश का आह्वान किया है कि हम लोग रन फॉर यूनिटी, रन फॉर वननेस, रन फॉर यूनिटी, ये कोई अंतर नहीं है, और उसकी शुरुआत तो हमारे बाबा जी ने पहले ही कर दी है, पहले ही कर दी। और बाबा जी, हम लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो आप जैसे लोगों, संतों के ही माध्यम से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि राजनीति के माध्यम से यदि सार्थक उद्देश्य पाना है तो जब तक राजनीति और अध्यात्म का समन्वय नहीं होगा, परस्पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक हम सार्थक उद्देश्य को जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः पूज्य निरंकारी बाबा हरदेव जी, पूजनीय माता जी के समक्ष अपना शीश झुकाकर उनका जहां पर अभिनंदन करता हूं, वहीं पर बच्चों अपनी तरफ से बड़ा होने के नाते आयु में आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आपका हार्दिक धन्यवाद एक एक शब्द के लिए, एक एक भाव के लिए जो आपने समर्पित किए।
और आदरणीय राजनाथ सिंह जी अपने व्यस्त प्रोग्राम से समय निकाल कर आए, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, जोरदार तालियों से अभिनंदन। देखिए कैसा शुभ संदेश इन्होंने भी दिया कि जो रन फॉर यूनिटी कुछ ही दिनों में भारत के कोने कोने में इस रूप में ऑर्गेनाइज होने वाली है, उसकी आज ये शुरुआत है और एकत्व का प्रमाण निरंकारी वॉलंटियर्स आज देने जा रहे हैं। और अब निरंकारी बाबा जी अपना संदेश देने जा रहे हैं। लेट अस लिसन टू द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज होलीनेस बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। जी हाँ, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे हृदय सम्राट सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें ब्लेस करते हुए। सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज बहुत खुशी का अवसर है जबकि आप सभी एक उमंग एक उत्साह के साथ यहाँ नेशनल स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं। रन फॉर वननेस के सिलसिले में, जो कि आपके मनों के भाव हैं कि संसार में एकत्व का ऐसा सुंदर स्वरूप बने सारे संसार का। और जैसे अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश की एकता, देश की अखंडता, एक जुटता के बारे में प्रेरणादायक शब्द सबके सामने रखे, जिन्होंने समय निकाला, क्योंकि 9:15 बता रहे थे कि फ्लाइट भी है चंडीगढ़ के लिए, तो फिर भी समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। और आप सभी आरंभ से ही जहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड विश्व भाईचारे में यकीन रखते हैं, वहाँ पर देश की एकता और अखंडता के लिए भी, अपनी जिम्मेदारियाँ निष्ठापूर्वक निभाने के लिए भी हमेशा रहते हैं और योगदान देते हैं। रन फॉर वननेस पिछले बरस वडोदरा गुजरात में मिशन के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा आयोजित हुआ था और वहाँ पर भी इतना उत्साह देखने को मिला कि वडोदरा की सड़कों से भागते दौड़ते हुए इसी पैगाम को उस इलाके में पहुँचाया गया। और आज यहाँ दिल्ली में आप सभी इसी रन फॉर वननेस में हिस्सा लेने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। ढंग और माध्यम और मीडिया अनेकों रूपों में है और हर उस रूप को अपनाया जाता है जिससे संसार की भलाई हो, जिससे वातावरण में शुद्धता हो, जिसमें सभी राहत के साथ रह सकें। और वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने जो एक रूप संसार का एक परिवार के रूप में, जैसे अभी राजनाथ सिंह जी ने जिक्र किया वसुधैव कुटुंबकम की भावना, कि वसुधा धरती सारी पे बसने वाले परिवार का अंग हैं, होता है ये ग्लोबल वननेस हार्मनी। ये कैसी एक अवस्था है जिसमें हर कोई आ जाए तो स्वर्ग बन जाए। तो ज्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं करें, छोटे बच्चों में उत्साह, बुज़ुर्गों में उत्साह, जहाँ पर नवंबर के मध्य में 15, 16, 17 को सालाना संत समागम होने जा रहा है, जिसका विषय भी हाँ में
जहाँ लगातार सेवाओं में भी आप योगदान दे रहे हैं, वहाँ पर समागम से पहले ये अवसर बना है आपकी इसी संदेश को आप हिंदुस्तान की राजधानी के कुछ इलाके से सड़कों से गुजरते हुए ये पैगाम भले ही थोड़े से हिस्से में से आप गुजरेंगे, लेकिन ये पैगाम थोड़े से हिस्से के लिए नहीं है, ये पैगाम विश्व के लिए है, ये सारे भारत के लिए है। भारतवासी भी इस एकता के सूत्र जाति पात से ऊपर उठ जाएं, मत मिले ही हिंदू जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, विश्व के किसी मुल्क की तरफ नज़र घुमा कर देख लें इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी जितनी हिंदुस्तान में है। और अगर इसी डाइवर्सिटी को खूबसूरती के रूप में हम स्थापित कर लें, यानी कि मिलवर्तन, भाईचारा, दूसरे के हितैषी बन जाएं, तो वाकई ही हिंदुस्तान का काम और भी बहुत कर सकते हैं। तो इसलिए यही एक काम लिए हुए हैं और इसी कॉज के लिए तन मन धन के महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसे वडोदरा में भी जब रन फॉर वननेस का आयोजन हुआ था, वहाँ पर भी दास ने एक पंक्ति का इस्तेमाल किया था कि वी हैव टू वर्क फॉर ए कॉज एंड नॉट फॉर अप्लॉज, कि हमने कॉज के लिए काम करना है, ना कि कोई यश प्राप्त करने के लिए। भक्त हमेशा ही निष्काम हुआ करते हैं, परोपकार का जज्बा होता है, इसलिए वो अप्लॉज की भूख नहीं रखते हैं कि हमारी जय जयकार हो जाए या हमारा नाम हो जाए। उनको काम से मतलब है और काम खुदगर्जी की पूर्ति वाला काम नहीं है, काम है चारों तरफ एक सुंदर रूप बनाने के रूप में। स्वच्छता सोच में आए, जैसे सफाई अभियान प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 अक्टूबर को आरंभ किया, और मिशन की तरफ से पिछले 10 बरस से फरवरी के महीने में सफाई अभियान चल रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में चल रहे हैं, और 2 अक्टूबर को भी मिशन के द्वारा हिंदुस्तान भर में हर प्रांत में ऐसे ही सफाई अभियान किए गए। और साथ ही साथ जो मिशन का मुख्य मंतव्य है, मनों की सफाई, भावनाओं की सफाई, सोच की सफाई, और यही सफाई अगर हो जाए तो बाहर भी सुंदर साफ सुथरा वातावरण बन सकता है। तो दास शुभकामना देता है। आप अभी यहाँ से रवाना होंगे इस दौड़ के लिए, इस पीस वॉक के लिए, तो सभी की पार्टिसिपेशन इंटरनेट के द्वारा इस इवेंट को देखा जा रहा है, और वो भी वहाँ पर ऐसे ही संदेश भेज रहे हैं कि इतना उतावलापन है कि हम इस मौके पर क्यों नहीं उपस्थित हैं। तो इस तरह से ये जज्बे चारों ओर हैं, और सभी को आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि आप इसमें सफल हों। और वैसे भी दिल्ली में रहने वाले और यहाँ की ट्रैफिक को देखकर ज़्यादा सबको चलना भागना इतना नसीब नहीं होता, तो मालिक ने ये मौका दिया है कि आप इस पहलू को भी सरंजाम दे पाएंगे, और आगे भी ये उत्साह लेके जाएंगे कि हम फिज़िकल लेवल के ऊपर भी फिट रहेंगे, क्योंकि यहाँ हम स्टेडियम में उपस्थित हैं जहाँ पर मेजर ध्यान सिंह स्टेडियम, ये नेशनल स्टेडियम। और दास को याद आ रहा था जब यहाँ रात को आया ये इंतज़ाम कुछ देखने के लिए, यहाँ के प्रबंधक सज्जन मिले, तो उनसे भी दास जिक्र कर रहा था कि दास पटियाला YPS में जब पढ़ता था
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वहाँ पर अक्सर जाते थे और हमारे स्कूल में मेजर ध्यान सिंह जी आते थे और हमें हॉकी सिखाया करते थे। दास को भी सौभाग्य मिला, दास भी स्कूल की हॉकी टीम में था तो तब वो हमें अक्सर हफ्ते में दो बार स्कूल में आकर हॉकी फील्ड में हॉकी की मूव्स सिखाया करते थे। तो आज मेजर ध्यान सिंह के ऐसे योगदानों को भी हम याद कर रहे हैं तो और अधिक दास शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर यही अरदास करता है कि एक सुंदर समाज, एक मजबूत देश और एक खूबसूरत विश्व बनाने के लिए सभी अपने इसी प्रकार के योगदान देते चले जाएं। धन्यवाद। थैंक यू हिज होलीनेस सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। आवर लॉर्ड मास्टर सदगुरु बाबा जी हैज ब्लेस्ड अस ऑल विद हिज काइंड वर्ड्स। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच कुछ और गणमान्य अतिथि आए हुए हैं, आदरणीय बहन रजनी अभी जी और भारत भूषण अभी जी हमारे बीच आए हुए हैं, एक्स मेयर रजनी अभी जी जिनका मिशन के साथ एक बहुत पुराना संबंध। और देखिए कैसे दौड़ते दौड़ते मंच पर आई, बिकॉज दिस इज रन फॉर वननेस। सो भारत भूषण जी एंड रजनी जी आहिया रिसीविंग ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मास्टर। एंड वी ऑल्सो हैव सुनीता गोदारा जी हु इज अ फॉर्मर एशियन मैराथन चैंपियन। जोरदार तालियां। और सुनीता गोदारा जी के बारे में बता दूं दैट शी हैज कंप्लीटेड 76 फुल मैराथॉन्स। अ मैराथन इज 42.2 किलोमीटर। स्टिल डेट शी हैज वन 25 गोल्ड मेडल्स, 12 सिल्वर। जोरदार तालियों से एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अक्रॉस द ग्लोब इन 26 कंट्रीज। शी इज द होल्डर ऑफ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड फॉर विनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैराथॉन्स बाय एनी इंडियन इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। वेलकम मैम, वेलकम रजनी जी, वेलकम भारत भूषण जी। I would request Reverend Behen Bindiya Chabra ji to welcome both the dignitaries on behalf of SNCF and Sant Nirankari Mission. Adarniya Behen Bindiya Chabra ji, SNCF ke madhyam se SNCF ke behalf par swagat karenge is bouquet ke dwara. Pehle Sunita Godara ji ka zordar taaliyon se aap sabhi ka swagat abhinandan prapt ho. Aur isi prakar samman dete hue रजनी एबी जी को भी पुष्पों के द्वारा और रन फॉर वननेस टी शर्ट भी प्रेजेंट की। और इसी श्रृंखला में, इसी रूप में स्वागत रजनी एबी जी का। जी हाँ, आपकी तालियां फिर से एक बार स्वागत करें। और सुनीता गोदारा जी के साथ लगभग 70 नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हुए हैं एक एनजीओ के रूप में जो ये चलाती हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। द एफर्ट्स बीइंग डन बाय सुनीता गोदारा जी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। शी इज अ हेल्थ एंड वेलफेयर मिशनरी वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड सिमिलर एफर्ट्स। कोने कोने में किए जा रहे हैं और यही एकता है, यही एकत्व है। थैंक यू सो मच। एंड नाउ इज द मोमेंट फॉर द प्लेज। एकत्व की प्रतिज्ञा का समय आ चुका है, संकल्प लेने का। सदगुरु बाबा जी के समक्ष अपने हाथ सब सामने कर लें। लेट अस ऑल पुट आवर हैंड्स इन फ्रंट। थोड़ा सा दाएं और कर लें, एकदम सामने नहीं, अ लिटिल राइट सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। And we have these little kids, Sampriti ji aur Hardik ji ke liye zordar taali ek bar baja dijiye, fir haath aage kar lenge. Yes, yes, now put your hands in front of you. And we are all ready to take the pledge of oneness. Repeat after me. Hum, jati, mazhab, bhasha aur sampraday se upar uthkar सभी तरह के भेदभाव छोड़कर केवल एक मानवता का धर्म निभाएंगे, प्रेम और नम्रता से युक्त होकर
वैर और नफरत से मुक्त होकर सदा सत्य की राह पर चलेंगे और हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमेशा एकत्व को अपनाएंगे, एकत्व को अपनाएंगे, एकत्व को अपनाएंगे। हाथ नीचे कर लें। तो ये एकत्व की प्रतिज्ञा हमने ली और इस पर चलने का भी अब संकल्प प्रयास करें। और अब समय है फॉर द बलून्स, द कलर्स ऑफ द बलून, व्हाइट, पिंक एंड ब्लू। एंड दीज कलर्स रिप्रेजेंट द SNCF's main core philosophies of healing, empowering, and enriching. If we look at the white balloon signifies healing, the purity in the human touch that is possible if we are coming with a feeling of giving and with pious divine thoughts. If we look at the pink color balloon represents empowerment, female empowerment, empowerment of those that are disadvantaged in society, those that require our assistance. If we look at the last colored balloon, the blue balloon, that is representing enrichment, enrichment in education, enrichment in knowledge, and helping society. So these very important philosophies the SNCF stands for are being represented in these three colors in the balloons. और देखिए कैसे यहाँ तो तीन रंग हैं, पर वैसे अगर सात रंग मिल जाएं तभी श्वेत रंग बनता है, वही एकत्व होता है। और इसी प्रकार ये सात सारे के सारे समंदर मिल जाएं, कॉन्टिनेंट्स मिल जाएं, तभी एकत्व होता है। सारा समाज, सारी दुनिया मिल जाए तभी एकत्व होता है। सात सुर मिल जाएं तभी एक सिम्फनी बनती है, तभी स्वर बनते हैं। इसी का प्रतीक एकत्व, वननेस, इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड हियर बाय द लेटिंग लूज ऑफ द बलून्स। गाए हिज होलीनेस बाबा जी, बलून्स दे दिए जाएं हुजूर के। I think okay, Baba ji ne bless kar diya because the balloons have to go up aur yahan se to upar ja nahi payenge. Zordar taaliyan, big round of applause. Woo! For oneness, a big round of applause for this amazing, amazing essence of oneness. Taaliyan nahi rukni chahiye till the time the balloons are visible. This applause should continue. And now let us all get ready for the national anthem. Rashtriya Gaan ki position mein aa jaye, sab haath niche kar le aur Rashtriya Gaan mein sabhi sammilit ho. Yeah.
जी हाँ, राष्ट्र गान के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी व्यक्त करते हुए रन फॉर वननेस के हम सभी वॉलंटियर्स। और अब समय आ चुका है जब आप सभी ने बहुत ही अनुशासन से, इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन प्लीज, डिसिप्लिन में एकत्व का प्रमाण देते हुए